हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी टाइम हुआ है शाम के 5:14 होने को आए। अभी शाम का टाइम है, अपने साइड में ही सनसेट का टाइम हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे ही रैंडम सी राइड करने के लिए। यहाँ पे पास में एक रिवर का ब्रिज है, वहाँ से शाम के टाइम पे सनसेट के टाइम पे नेक्स्ट लेवल व्यू आता है। अभी जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा व्यू वगैरह कैप्चर करते, गाड़ी के सिनेमैटिक्स वगैरह निकल दे। बाकी अपन ने लास्ट वीडियो बनाया था TVS Ntorq 125 XT का, उस पर कुछ बंदों ने कमेंट किया था कि मतलब भाई गाड़ी का माइलेज कैसा है, कितना गाड़ी देती है। और अपन ने जो बीच में अपना जो TVS Ntorq का थॉर एडिशन है उसका भी बीच में अपन ने वीडियो बनाया था माइलेज टेस्ट का, उसके ऊपर भी कमेंट आया था कि मतलब गाड़ी 50+ माइलेज देती है या भी नहीं। भी कैसा सीन है, अपन ने उस टाइम पे माइलेज टेस्ट किया था को, अपन ने फास्ट स्पीड में भी चलाया था, 70-80 के ऊपर भी चलाया था, 93-90+ चलाया था गाड़ी उसको। और तभी अपन सिंगल नहीं थे, उस टाइम पे पिलियन था मेरे पीछे और एक बंदा बैठा था। पिलियन के साथ अपन ने उसको 90+ भगाया था अभी, फिर भी अपन को उसका माइलेज कुछ लगभग 48.6 किलोमीटर का कुछ तो मिला था। मतलब पिलियन के साथ और हाई स्पीड में माइलेज इतना गाड़ी दे सकती है, तो उसको अपन समझो इकोनॉमिक मोड में भी चलाया होता तो इकोनॉमिक मोड में कितना माइलेज दिया होता उस गाड़ी ने। 48.6 किलोमीटर तो ऐसे ही चली थी, मतलब स्पीड में चला के भी 48.6 किलोमीटर चली गाड़ी, तो उसको अपन ने 50-60 के स्पीड पे चलाया होता, इकोनॉमिक मोड में चलाया होता, तो अपने को 50+ माइलेज आराम से मिल जाता। 50+ आई थिंक 53-52 का माइलेज मिल जाता या उससे ज़्यादा भी मिल जाता। और रही बात XT की, तो XT में और बाकी के जो BS6 के जो वेरिएंट है उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पावर के बारे में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, इंजन सेम ही है, इंजन के पावर डिलीवरी भी सेम ही है, तो XT भी उतना ही माइलेज देना चाहिए, मतलब XT का भी उतना ही माइलेज रहेगा। आप अगर इकोनॉमिक मोड में चलाओगे उसको 50-60 की स्पीड पर आराम से क्रूज करोगे तो आपको 50+ माइलेज आराम से मिल जाएगा। बाकी आप हर एक के चलाने के ऊपर डिपेंड रहता कौन किस तरह से चला रहे। आप ज़्यादा हाई RPM पे चलाओगे तो आपको ऑब्वियसली इतना ज़्यादा माइलेज मिलेगा नहीं, फिर भी आप 50-60 के स्पीड पे भी क्रूज करोगे फिर भी आपको 46 या 45+ माइलेज आराम से मिल जाएगा। क्योंकि अभी BS6 में उन्होंने इंजन को इतना ट्यून किया है, मतलब पावर भी प्रोड्यूस करती है गाड़ी, उस हिसाब से माइलेज भी देती है। मतलब सिटी राइड के लिए माइलेज एकदम अच्छा है गाड़ी का। उसका भी अपन माइलेज टेस्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन कैसी अभी वो गाड़ी नई है तो उसके ऊपर अभी माइलेज टेस्ट नहीं बना सकते। उसकी अभी तक तीसरी सर्विसिंग भी नहीं हो चुकी है, मतलब उसकी अभी तक थर्ड सर्विसिंग भी नहीं हुई है। थर्ड सर्विसिंग होने के बाद उसके ऊपर भी अपन माइलेज टेस्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसका और जो अपने जो नॉर्मल एडिशन है BS6 के इंजन में कुछ डिफरेंस नहीं है इतना, तो माइलेज सेम ही आने वाला है दोनों का भी। बाकी सिर्फ उन्होंने सिर्फ लुकिंग के हिसाब से कलर ग्राफिक्स चेंज किया है और कुछ ज़्यादा फीचर्स डाले, कुछ फीचर्स के वजह से तो माइलेज तो थोड़ी घटने वाला है, इंजन तो वही है, पावर भी वही है, तो माइलेज के बारे में कुछ मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उसका माइलेज ड्रॉप हुआ होगा। बाकी अभी हम कुछ पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पे, अभी यहाँ पे ही गाड़ी रुका थे साइड में, आपको दिक्कत है यहाँ का व्यू। यहाँ पे पास में ही हमारे पास में एक रिवर है और ये ब्रिज है यहाँ का, क्या ही गजब व्यू लग रहा है भाई साहब। साइड में ही सनसेट हो रहा है आप देख सकते हो, और ये ब्रिज यहाँ से क्या व्यू आ रहा है।
अभी यहाँ पे रुकते बीच में और आपको थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स वीडियो दिखाते। सो गाइस, आप देख सकते हो अभी हम रुके कुछ ऐसी जगह पे और अपने सामने ही सनसेट हो रहा है और यहाँ से जो व्यू आ रहा है, क्या ही गजब व्यू लग रहा है भाई साहब। ये यहाँ की रिवर है, यहाँ पे अपनी गाड़ी है, एकदम पीसफुल जगह है, क्या ही व्यू लग रहा है। सामने ही अपने सनसेट हो रहा है। अभी अपन यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स वीडियो निकालते हैं, आप सिनेमैटिक्स वीडियो एंजॉय करिए तब तक। सनसेट का टाइम हो रहा है, क्या ही नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम वहाँ पे नीचे जाते, देखते वहाँ से गाड़ी आती है नीचे, देखते हैं अभी नीचे जाके थोड़ा बहुत सीन्स लेते, सिनेमैटिक वीडियो वगैरह लेते कुछ। शाम के टाइम पे यहाँ से जब व्यू आ रहा है, नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है। आवाज डायरेक्ट गोप्रो से ही रिकॉर्ड हो रही है, अपन ने माइक अभी उसमें नहीं लगाया है। भाई साहब, यहाँ से फुल ऑफ रोडिंग पैच है। पूरे पत्थर है, पत्थर के ऊपर से गाड़ी चल रही है पूरी। भाई अभी हम गाड़ी इधर ही किधर तो लगाते साइड में और आगे चल के जाते। अभी गाड़ी को लगाते यहाँ पे ही, यहाँ से आगे थोड़ा चल के जाते, देखते कैसा व्यू है। बारिश के टाइम पे ये पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा ऊपर तक पानी लगता है इसके। आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, क्या ही नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है भाई। देख सकते हो अभी यहाँ से आगे तो नहीं जा सकते, बीच में पानी है। बाकी यहाँ से व्यू चेकआउट करिए, हेलमेट निकलते, थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स लेते आगे जाके वहाँ पे। तो गाइस, आप व्यू देख सकते हो यहाँ से, अभी सनसेट हो चुका है। अभी जाते हैं ऊपर से अभी जाते हैं यहाँ से ऊपर। लेकिन शाम के टाइम पे यार से क्या गजब व्यू आ रहा है, खतरनाक। गलत जगह से गाड़ी डाल दी, बहुत पत्थर है यार।
गाइज आप व्यू देख सकते हो, क्या ही नेक्स्ट लेवल व्यू लग रहा है सामने। शाम के टाइम पे बैठने के लिए एकदम पीसफुल जगह है, सामने ही पूरे माउंटेन्स है और यहाँ से जो सनसेट होता है, सनसेट का जो व्यू आता है, सामने ही रिवर है, रिवर के ऊपर से सनसेट का व्यू, नेक्स्ट लेवल व्यू आता है। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी जो अपना थॉर एडिशन का माइलेज टेस्ट किया था उसको अपन ने इतना हाई स्पीड पे चलाया था, मतलब पूरा पिलियन के साथ उसका पूरा टॉप स्पीड ही निकाला था। 93 तक लास्ट गई थी वो, उसके ऊपर जा रही नहीं थी, तो इतना स्पीड में भी उसने इतना माइलेज दिया अपने को, 48.6 किलोमीटर माइलेज दे दिया, वो बहुत हो गया इतने हाई स्पीड में भी इतना माइलेज। तो उसको अपन नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे तो 53 आराम से मिल जाता था उसका माइलेज। जिन जिनको भी डाउट था कि TVS Ntorq 125 XT टॉप मॉडल वो 50 प्लस माइलेज देती है या नहीं, तो ऑब्वियसली आपके चलाने के ऊपर है, आप जिस हिसाब से चलाओगे आपको गाड़ी भी उस हिसाब से माइलेज देगी। आप नॉर्मली चलाओगे इकोनॉमिक मोड पे, नॉर्मल मतलब अपना जो डेली रूटीन रहता है सिटी राइड में, आप ऐसे ही चलाओगे तो आपको ऑब्वियसली 50 प्लस माइलेज आराम से मिल जाएगा। और आप ज़्यादा स्पीड में भी चला रहे हो, मतलब 70-80 के स्पीड में भी चला रहे हो, तो भी आपको 45 प्लस माइलेज आराम से मिल ही जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।